हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी क्विक रेसिपी गोभी पालक। इसके लिए मैंने लिया है एक गोभी, अराउंड हाफ के जी, और हाफ के जी पालक है। उसके अलावा ये है टमाटर, मैंने लिए हैं दो टमाटर मीडियम साइज़ के, एक प्याज है, मिर्च पाउडर है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन। उसके अलावा तेल, तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों और नमक। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसमें मैंने डाला है अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डाल के जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है सरसों और जीरा, ये दोनों हाफ हाफ टीस्पून है डाल के। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ प्याज। आप चाहो तो तड़का लगाने में हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, करिया पत्ते का भी, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने डाला है प्याज, प्याज डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। यहाँ पे प्याज को हमें हल्का ही भुनना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग गोभी के साथ इसे भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। इसमें हम लोग मिर्च पाउडर भी डालेंगे। अब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है, वो 1 टीस्पून है डाल के थोड़ा सा मिक्स किया। जैसे ये थोड़ा सा भुन गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गोभी। गोभी को मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिया है डाल के। अब हम लोग इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी बहुत इजी है, मे बी आप सब लोग जानते भी हैं, फिर भी मैंने सोचा आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूँ। ये क्विक रेसिपी तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी है। अब मैंने इसे ढक दिया है, ढक के मैं 2-3 मिनट तक, या गोभी थोड़ा सा नरम होते तक मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से भुन गया है, ऑलमोस्ट गोभी भी आधा पक गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ पालक और टमाटर। ये सब्जी को मैं मीडियम हाई फ्लेम पे पका रही हूँ और एकदम ढक के पका रही हूँ। ऐसा करने से ये पालक और गोभी में जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, वो लॉस नहीं होती है। अगर हम लोग हाई फ्लेम पे इसे एकदम तेज आंच पे भूनते हुए पकाएंगे बिना ढके, तो इसकी उतना हेल्दी भी नहीं रहेगा और इसमें जो प्रोटीन्स है, विटामिन है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें कोशिश करना है मीडियम या लो फ्लेम पे ढकते हुए इसे पकाना है। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, मिक्स करके इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे मैं और 2-3 मिनट, या तब तक जब तक कि गोभी पक नहीं जाता तब तक पका लूँगी। अभी मैंने 4 मिनट बाद ढककर निकाल दिया है। 4 मिनट बाद गोभी काफ़ी अच्छे से पक गया, पूरी तरह से नहीं पका बट काफ़ी अच्छे से पक गया, ऑलमोस्ट 80% तक के कुक हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। उसके अलावा मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि पालक क्वांटिटी में ज़्यादा दिखता है और नमक डालने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कभी भी पालक की सब्जी बनाते हैं उस समय पालक थोड़ा सा पक जाए उसके बाद नमक डालना है, अदरवाइज़ नमक ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करके इसे ढक के 1-2 मिनट तक और पकने के लिए रख दूंगी। ये सब्जी जल्दी तो बनती है, साथ ही इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि गोभी में बहुत ज़्यादा फाइबर है, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन है और भी कई ज़्यादा फायदे हैं। अब मैंने 3 मिनट बाद ढक कर निकाला है और 3 मिनट बाद सब्जी काफ़ी अच्छे से पक गई। आप एक बार गोभी को इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेना, गोभी पक गई है मतलब सब्जी बन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल के अच्छे से मिक्स करके 1-2 सेकंड बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बस हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी गोभी पालक की सब्जी बनके रेडी है। अब आप भी ये टेस्टी गोभी पालक की सब्जी बनाइए और इसे सर्व करिए रोटी, चावल या पराठा के साथ। अब आप भी ये रेसिपी बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।